जिस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली वो प्रोसेस है, ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म जिसके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही होती है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट कर रही होती है। तो हमें पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है और उसके थ्रू वो एग्रीगेट डिमांड को और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इस वीडियो को आगे समझाने से पहले एक चीज मैं जरूर मेंशन करूंगी कि अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी की डिटेल नहीं पता, आपको नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरह लगाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स हैं जिनके थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जा रही होती है और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल किस तरह जो है वो एग्रीगेट डिमांड पे पड़ा होता है, तो फिर इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जो वीडियो है वो सबसे पहले देखें। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह इम्प्लीमेंट होती है और उसका क्या इफेक्ट आता है, तो फिर आपको इस वीडियो को समझने में मसला होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये मनी एंड बैंकिंग हमारी जो है वो मिशकन की एक बुक है जिसमें ये आपको कंप्लीट इसकी डिटेल भी दिख जाएगी और आपको ये पूरा चार्ट दिख जाएगा। बेसिकली इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट कर रही होती है थ्रू दीज चैनल्स, ठीक है। तो इस डिफरेंट प्रोसेस से जो है वो ये इन द एंड एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट कर रही होती है। तो इस वीडियो में हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखेंगे कि एक्सपेंशन जब करनी होती है सेंट्रल बैंक को, जब इकोनॉमी की एक्टिविटीज को इंक्रीज करना होता है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होता है, तो सेंट्रल बैंक एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करती है और उसका इन द एंड जो है वो इफेक्ट आता है बाय इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड। तो हम अभी इस वीडियो में समझेंगे कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह कौन कौन से चैनल से जो है वो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करती है। सबसे पहला जो हमारे पास चैनल आता है वो आता है थ्रू ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स। जिसको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जरा सा भी पता होगा वो ये जानता होगा कि अगर सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी यूज करता है, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहता है, तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देता है? कम कर देता है। इंटरेस्ट रेट को क्यों कम करता है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो उसके थ्रू कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इट मींस कि अगर हम कंज्यूमर्स और इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से सोचें तो पहले आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। इट मींस इन्वेस्टर्स अब जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोन लेना चाहते हैं बैंक से फॉर एग्जांपल, तो अब उन्हें लो रेट पे जो है वो लोन अवेलेबल है। मींस उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या हो गई? कम हो गई। इसी तरह वो कंज्यूमर्स जो के हाउस लोन लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं या कोई भी ड्यूरेबल गुड्स जो है वो परचेज करना चाहते हैं थ्रू लोन, अब उनके लिए बहुत इजी हो गया लोन लेना, क्योंकि जो लोन का रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो क्या हो गया है? कम हो गया है। तो उनकी जो कॉस्ट है लोन की वो कम हो गई है। तो बेसिकली ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स हमें ये बताता है कि अगर आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेंगे तो उस चैनल से आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, रेजिडेंशियल हाउसिंग की डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि लोग हाउस लोन लेकर ज्यादा से ज्यादा जो है वो उसकी डिमांड इंक्रीज कर देंगे और कंज्यूमर के ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मींस कंज्यूमर स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये तो हम सबको पता है कि एग्रीगेट डिमांड के ये दोनों मेन कॉम्पोनेंट हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो इस चैनल से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो ओवरऑल इंक्रीज होगी। तो इसको हम यहाँ पे अगर मैं एक आपके सामने एक इसका चैनल बनाऊं तो ये बनेगा कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो जाता है? रियल इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है। रियल इंटरेस्ट रेट के डिक्रीज होने से क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है, अब आप जो है वो कम रेट पे बोरो कर सकते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग और कंजम्पशन स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाती है, जिस चैनल से आपकी एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो एक बिल्कुल सिंपल चैनल था, इसको आप ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स भी कहते हैं। सेकेंड आपके पास आता है, आपके पास ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में अदर एसेट प्राइस चैनल्स।
अदर एसेट प्राइस चैनल या अदर एसेट प्राइस इफेक्ट्स का मतलब ये है कि हम इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट तो कॉमनली हमें समझ में आता है, हम सबको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी यूज हुई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, आपकी इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस का इनवर्स रिलेशन है, तो इंटरेस्ट रेट के कम होने से बॉन्ड की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है बस। लेकिन कुछ अदर एसेट्स की प्राइसेस पे भी जो है वो इस मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट आता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एसेट आपके पास आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसको आप कहते हैं एक्सचेंज रेट इफेक्ट्स ऑन नेट एक्सपोर्ट्स। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, जब भी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है तो उसके थ्रू इंटरेस्ट रेट में इफेक्ट आता है, और इंटरेस्ट रेट के चैनल इंटरेस्ट रेट के थ्रू एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है, और जब एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है तो आपकी नेट एक्सपोर्ट इकोनॉमी की जो है वो चेंज हो रही होती है। अब देखें, मैं बिल्कुल सिंपल करके इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल बैंक ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई, ठीक है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ने इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आप सोचो कि दो कंट्रीज हैं, एक आपका डोमेस्टिक कंट्री और एक फॉरेन कंट्री। जब आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा रिलेटिवली फॉरेन कंट्री के, तो आपके एसेट्स क्या हो जाएंगे, अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे रिलेटिव टू फॉरेन एसेट्स। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ कोई जो है वो सेव करते हैं पैसे तो उसको लो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और अगर वही पैसे जो है जो बाहर सेव किए जाते हैं तो वहां पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो जब हमारी इकोनॉमी का डोमेस्टिक रेट कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी से जो है वो बेसिकली क्या स्टार्ट हो जाता है, कैपिटल आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है। मींस लोग अब यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बाहर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेसिकली आपके जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं दे बिकम लेस अट्रैक्टिव रिलेटिव टू एसेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसीज, ठीक है, फॉरेन एसेट ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे क्योंकि वो हाई रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा, अब इससे क्या होगा, जब कैपिटल आउटफ्लो होता है, अब इसको भी मैं अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि जब हम ये पढ़ते हैं कि जब कैपिटल आउटफ्लो होता है तो उसकी वजह से हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। अच्छा, ऐसा कैसे होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट को देखते हुए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि आप किसी फॉरेन करेंसी के जो है वहां वहां फॉरेन कंट्री में सेव करें और वहां हाई रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आप अर्न करें, ठीक है। तो आप जब चाहेंगे उस वहां फॉरेन एसेट्स को परचेज करना तो आपके लिए आपको कौन सी करेंसी रिक्वायर्ड होगी, जाहिर सी बात है आपको फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड होगी, आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं। तो होगा क्या कि फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और आपकी डोमेस्टिक करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हर कोई इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को देकर उसके बदले में फॉरेन करेंसी ले ताकि उसको वो इन्वेस्ट कर सके फॉरेन एसेट्स पे। तो बेसिकली जब भी करेंसी की सप्लाई इंक्रीज होती है जिस भी करेंसी की, उसकी प्राइसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मींस वो करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो जब कैपिटल आउटफ्लो शुरू होगा तो आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। अब जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उससे हमारे डोमेस्टिक गुड्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब एक्सचेंज रेट कम होगा करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उससे नेट एक्सपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारे गुड्स रिलेटिवली फॉरेन गुड्स के चीपर हो जाते हैं। अगेन वो स्टूडेंट जिन्हें इस ये एक्सचेंज रेट चैनल को समझने में मसला होता है, मैं एक एग्जाम्पल से, आसान सी एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करती हूँ। करेंसी डेप्रिशिएट होने का क्या मतलब है, अगर हम पाकिस्तानी रुपीस और डॉलर का कंपैरिजन करें, मैं आपके पास सामने एक एक्सचेंज रेट लिखूं कि $1 जो है वो इक्वल है 100 रुपीस के, ठीक है। अच्छा, करेंसी डेप्रिशिएट होने का क्या मतलब है, हम क्या सुनते हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू कंटिन्यूसली डाउन हो रही है, हमारी रुपी जो है वो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रहा है। इट मींस कि अब जब कोई भी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आपकी आपका एक्सचेंज रेट क्या है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, अब आपकी फॉर एग्जाम्पल $1 इक्वल हो गए 150 रुपीज के। इट मीन्स के डॉलर क्या हो रहा है, डॉलर की परचेजिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, रुपी क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट, करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है तो इसका इम्पैक्ट एक्सपोर्ट के नेट एक्सपोर्ट पे कैसे पड़ता है, कि अब पहले जो है वो $1 देकर सिर्फ 100 रुपीज की प्रोडक्ट मिल रही थी, अब फॉरेनर्स $1 देकर 150 की प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इट मीन्स कि अब हमारे गुड्स रिलेटिवली क्या हो गए हैं, चीपर हो गए फॉरेनर्स के लिए। तो इस वजह से क्या होगा कि एक्सपोर्ट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी हमारी,
और नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या डिफरेंस है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी और इंपोर्ट आपके लिए रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गई है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पहले आपको $1 की प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए 100 रुपीज देने पड़ते थे, अब 150 देने पड़ रहे हैं। तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगी, इम्पोर्ट डिक्रीज होगी और ओवरऑल नेट एक्सपोर्ट का रेशो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं बकायदे एक चैनल बना रही हूँ, क्योंकि हमने समझ लिया है कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह नेट एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट कर रही होती है। तो बेसिकली जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाती है, जिसके थ्रू इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, तो क्योंकि कैपिटल आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है, कैपिटल आउटफ्लो की वजह से हमारा एक्सचेंज रेट, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी डेप्रिशिएट होने की वजह से हमारे डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली चीपर हो जाते हैं फॉरेन गुड्स के, जिसकी वजह से हमारी गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, मीन्स एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाती है और आपकी नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाती है। और नेट एक्सपोर्ट हमें पता है किसका कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड का, तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने बेसिकली दो चैनल समझ लिए, फर्स्ट ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स, सेकंड एक्सचेंज रेट इफेक्ट्स ऑन नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और इसके थ्रू हमने समझ लिया कि एग्रीगेट डिमांड को किस तरह इंपैक्ट करता है। फिर आपके पास एक अदर इफेक्ट्स में आपके पास आती है एक थ्योरी, जिसे हम कहते हैं टोबिन्स क्यू थ्योरी। तो ये टोबिन्स क्यू थ्योरी बेसिकली क्या है? अच्छा, अगेन टोबिन्स क्यू थ्योरी बेसिकली एक कंप्लीट टॉपिक है, जिसको हम इतना डिटेल इस वीडियो में नहीं समझ सकते, फिर भी मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि बेसिकली हर फर्म को जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, जैसी पता है मनी रिक्वायर्ड होती है, एवरी फर्म नीड्स मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये मनी जो है वो फर्म या तो बोरो करके जो है वो रेज कर सकती है, जो फंड रिक्वायर्ड होते हैं फर्म्स को, या तो वो बोरो करें सिंपली, या फिर वो अपने शेयर्स और इक्विटी को सेल करें। तो फर्म्स के पास बेसिकली दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो बोरो करें या अपनी इक्विटी और शेयर्स को सेल करें। होता क्या है कि जब फर्म अपनी शेयर्स को सेल करती है तो बायर्स क्या करते हैं, उस शेयर को परचेज कर लेते हैं। और वो शेयर परचेज क्यों करते हैं, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपी का एक पर शेयर परचेज करा और उसकी वैल्यू कुछ टाइम बाद हो गई 105 रुपी, तो आप क्या करोगे, उस शेयर को सेल करके जो है जो प्रॉफिट होगा, जो प्राइस डिफरेंस होता है, जिसको आप प्रॉफिट हो रहा होता है, उसको आप कैपिटल गेन कह रहे होते हो। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली परचेजर ऑफ शेयर जो है वो आपका जब भी शेयर परचेज करता है आपकी कंपनी के, जब वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कैपिटल गेन, जब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इसमें प्रॉफिट हो रहा है, या इसमें एक्सपेक्टेड है कि भाई इसको प्रॉफिट होगा, इसकी शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से मुझे कैपिटल गेन होगा। अच्छा, अब होता क्या है कि जब स्टॉक मार्केट्स आपकी बहुत हाई होती है, मीन्स शेयर की प्राइसेस बहुत हाई होती हैं आपकी, तो शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि फर्म अपने फ्यू शेयर्स को सेल करके जो है वो एक अच्छी अमाउंट में जो है वो पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो जो फंड्स रिक्वायर्ड है उसको वो फंड जो है वो कलेक्ट कर सकती है कुछ शेयर्स ही सेल करके। बेसिकली यहाँ पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रूल है, क्योंकि क्या क्या रोल है, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को क्या कर देती है, कम कर देती है। लोअर इंटरेस्ट रेट रेजेस द प्राइसेस ऑफ स्टॉक। ये हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ बॉन्ड या प्राइस ऑफ शेयर्स का आपस में नेगेटिव इनवर्स रिलेशन है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा स्टॉक की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अब आपकी स्टॉक की प्राइसेस इंक्रीज हो गई है, अब फर्म जो है वो कम शेयर्स सेल करके जो है वो अच्छा खासा फंड जो है वो रेज कर सकती है। इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को जो आपके इकोनॉमिस्ट थे जेम्स टोबिन, उन्होंने इसको एक्सप्लेन करा था, इसी वजह से इस थ्योरी का नाम भी टोबिन क्यू थ्योरी पड़ गया। उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन करा था कि क्यू एक रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मीन्स के जो शेयर की प्राइसेस है, आपकी फर्म्स की जो शेयर की प्राइसेस हैं वो स्टॉक मार्केट में कितनी है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दोज एसेट्स। मींस ये कि देखें, आप दो चीज देख रहे होते हैं, इक्विटी भी आपका कैपिटल है, ठीक है, इक्विटी भी आपका कैपिटल है, और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो न्यू मशीनरीज भी परचेज करनी है, मशीनरी भी आपका कैपिटल है। तो अगर आप मशीनरी एक परचेज कर रहे हैं जो कि है आपकी 10,000 की मशीनरी आप परचेज करें, जिसकी वैल्यू क्या है 10,000, और जो आपकी इक्विटी की जो वैल्यू है वो पहले जितनी थी अब उससे इंक्रीज होके हो गई है, आपकी इक्विटी की वैल्यू 20,000,
तो हो क्या रहा है कि आपका रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन वन आएगा। मींस ये कि फर्म की मार्केट वैल्यू ज्यादा है और जो उसको जो एसेट्स को परचेज करने में जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो कम है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इनकरेज होगा कि वो इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि वो कम शेयर्स को मार्केट में फ्लोट करके ज्यादा से ज्यादा फंड रेज कर सकता है। तो वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा कि भाई मैं शेयर्स को फ्लोट करता हूँ ताकि मेरे शेयर्स की प्राइसेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो कम शेयर्स को फ्लोट करके जो है वो मुझे ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिल जाएंगे और मैं उनको इन्वेस्ट कर दूंगा। तो टोबिन क्यू थ्योरी भी आपको इस चैनल से एक्सप्लेन करती है कि क्यों इन मॉनिटरी पॉलिसी जब एक्सपेंशनरी अप्लाई होती है तो उसकी वजह से इन दी एंड इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। फिर आपके पास एक इफेक्ट आता है जिसको आप कहते हैं वेल्थ इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट क्या आपको कहते हैं कि जब आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं, अगेन सेम कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट के कम होने से स्टॉक की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। अब वो बायर जिसने स्टॉक परचेज करा हुआ है, ठीक है, अब अगेन जब फॉर एग्जाम्पल एक इन्वेस्टर है, एक बायर है जिसने स्टॉक को परचेज करा हुआ था, कितने स्टॉक परचेज करे हुए थे, उसने 100 स्टॉक परचेज करे हुए थे जिनकी पर स्टॉक की जो वैल्यू थी वो थी 50 रुपीज, ठीक है। इट मींस कि उसकी इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू है, 5000। अब अगर इस शेयर की वैल्यू इंक्रीज होके 50 से हो जाती है कितनी, 60, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5000 से इंक्रीज होके 6000। मींस ये कि अगर एक इंडिविजुअल ने शेयर्स परचेज करने में और शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो इंडिविजुअल को, कंज्यूमर को क्या फील होगा, अपना आप एक वेल्दी फील होगा कि भाई मेरी फाइनेंशियल वेल्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। स्टॉक प्राइसेस के इंक्रीज होने से उसको अपनी, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल वेल्थ की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो अपने आप को वेल्दी फील करेगा, और ये एक बिहेवियर के कंज्यूमर जब अपने आप को वेल्दी फील करता है तो वो कंजम्पशन स्पेंडिंग को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये चैनल वेल्थ इफेक्ट के थ्रू बता रहा होता है कि किस तरह कंजम्पशन स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही होती है। फिर आपके पास चैनल आता है विच इज बैंक लेंडिंग चैनल। अगेन मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में समझा था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाता है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो बैंक की लेंडिंग एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देना। ये लेंडिंग एबिलिटी किस तरह इंक्रीज की जाती है, बैंक के रिजर्व्स को इंक्रीज करके। फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल एग्जांपल से आपको इस बात को समझाऊं तो फॉर एग्जांपल रिजर्व रिक्वायरमेंट एक कंस्ट्रेन है जो कि सेंट्रल बैंक इम्पोज करता है कमर्शियल बैंक पे कि हर डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आपने सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है। मीन्स आप कंप्लीट 100% डिपॉजिट को लोन आउट नहीं कर सकते, आपने उसके कुछ परसेंटेज जो है वो रखवाना पड़ेगा आपको। अब अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट को वो कम कर देता है, 10% थी और अब 5% कर दी, मींस ये कि बैंक के डिपॉजिट्स, बैंक के रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पहले वो 100 रुपी का अगर उसके पास डिपॉजिट आ रहा था तो उसे 10 रुपीज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास रखवाने पड़ रहे थे और सिर्फ 90 रुपीज को वो लोन आउट कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि रिजर्व रिक्वायरमेंट सिर्फ 5% हो गई है तो उसे अब सिर्फ और सिर्फ 5% जो है, यानी 5 रुपी सेंट्रल बैंक के पास रखवाने हैं और बाकी का 95 उसके पास रिजर्व्स में बच रहा है। तो उसके पास डिपॉजिट्स और रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जब बैंक के पास रिजर्व्स इंक्रीज हो जाते हैं तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है रिजर्व्स वो अपने पास तो रखेगा नहीं, उसको तो प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करेगा। और जब वो लोन प्रोवाइड करेगा तो क्या होगा कि बहुत सारे बोरोअर जो कि अपनी स्पेंडिंग, जो अपनी फाइनेंस जो है उस, मतलब बैंक पे डिपेंड करते हैं कि बैंक से वो लोन ले सकें, वो अब बैंक से लोन लेना स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, कंजम्पशन स्पेंडिंग इंक्रीज होगी और ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। तो ये वही चैनल है जो आपने यहाँ पे देखा, लेकिन इफेक्ट क्या आ रहा है कि अब आप इसको बैंकिंग चैनल से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्योंकि बैंक के पास रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे तो वो अब पहले से ज्यादा लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा, और वो लोग जो लोन लेना चाहते हैं वो इजीली एक्सेस होगा उनका लोन के ऊपर, वो इजीली लोन ले सकेंगे और उससे इन्वेस्टमेंट और अपनी ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर्स जो है वो इंक्रीज करेंगे कंजम्पशन कंज्यूमर्स, जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। उसके बाद आपके पास चैनल आता है
बैलेंस शीट चैनल। बैलेंस शीट आपको क्या चैनल आपको क्या बताता है? अच्छा, यहाँ एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जिसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा टॉपिक डिफरेंट है, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है मॉरल हैजर्ड एंड एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन बेसिकली आपकी एक एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से ये अराइज होते हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह का मतलब क्या है कि जब आपको परफेक्ट नॉलेज ना हो, मीन्स जब भी कोई ट्रांजेक्शन कंडक्ट होती है उसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो अगर एक पार्टी कंप्लीट उसको पास फुल इंफॉर्मेशन हो लेकिन दूसरी पार्टी के पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसे आप मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन कह रहे होते हैं। मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन को शॉर्टली अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो एडवर्स सिलेक्शन आपकी वो प्रॉब्लम है जो कि ट्रांजेक्शन के अकर होने से पहले क्रिएट होती है। होता क्या है कि देखिए, इसकी एग्जाम्पल जो है वो कार सेकेंड हैंड कार्स की से जो है वो समझाई जाती है, जिसको आप लेमन इफेक्ट भी, लेमन मार्केट भी कहते हैं। कि जो सेकेंड हैंड कार जब आप परचेज करने जाते हैं, तो जो कार को सेल करना चाहता है, जो कार का सेलर है, वो जानता है कार की कंडीशन, उसको पता है कि कार की क्या कंडीशन है, और वो क्या चाहेगा कि भाई बायर जितना विलिंग है उसको उस पे जो है, अगर उस कार की कंडीशन सही नहीं है तो वो उसको निकालना चाहेगा कि मैं किसी तरह उसको सेल कर दूं। तो बायर जितना भी विलिंग होगा उस कार के लिए परचेज करने पे, उसकी कोशिश होगी कि इसको जो है वो सेल कर दिया जाए। इस केस में एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि बायर को नहीं पता कि उस कार की क्या कंडीशन है। तो अगर कोई अच्छी कार होगी, होता क्या है कि फॉर इस केस में प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर कोई एक अच्छी कार होगी तो बायर को तो नहीं पता कि उस कार की कंडीशन क्या है, तो वो उसको तो ये होगा कि अगर इस कार इन दी एंड ये जो है वो बाद में सही, इसकी कंडीशन सही नहीं निकलती तो मेरा तो बड़े एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं लगाएगा। अच्छा, अब जो जिसकी जिस कार की कंडीशन सही नहीं है उसकी आप लो वैल्यू पे भी वो राजी हो जाएगा पर उस कार को जो है वो सेल करने के लिए, क्योंकि उसको तो पता है कि कार की कंडीशन कैसी है। लेकिन जो अच्छी कार जो सेल कर रहे हैं, जिनकी जिन कार की कंडीशन अच्छी है, वो उसको जब आप लो रेट ऑफर करोगे तो वो उस कार को परचेज कर सेल ही करना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस कार की कंडीशन जो है वो अच्छी है। तो बेसिकली ये एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से एक एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कि फिर जो है वो कार जो जो जिनकी कार की कंडीशन अच्छी होगी वो सेलर जो है वो सेल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बायर जो है वो ये देखते हुए कि भाई मेरे पास फुल इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि इस कार की कंडीशन क्या है, तो वो लो प्राइस को सेट करेगा। तो वो कार के सेलर जो है फिर आपके पास उस सेकेंड हैंड मार्केट पर नॉर्मली वही सेलर आएगा जिसकी कार की कंडीशन सही नहीं होगी, तो वो उसको सिंपली सेल करना चाह रहा है जिस भी प्राइस पे। तो बेसिकली, और फिर सेकंड आपके पास आता है मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम। मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम का मतलब कि ट्रांजैक्शन के बाद जो बोरोअर है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड है जो कि आपके लिए जो है वो रिस्की है, आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो सिंपली उसका आपका पैसा उसके पास है और वो आपके पैसे से खेल रहा है। मीन्स ये कि मैं इसकी सिंपल एग्जाम्पल समझाऊं कि आपने इंश्योरेंस ली कि आपके घर में कोई चोरी वगैरह होती है, तो उसकी जो जो भी आपका एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो भी मसला होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अब आपको पता है कि भाई मैंने तो इंश्योरेंस परचेज कर ली, अब आप अपने घर के दरवाजे खिड़कियां सब खोल के सोएं, आप आराम से रहें कि भाई आप कोई बात नहीं, चोरी हो भी जाती है तो मेरा तो कुछ मसला नहीं होगा। मसला किसके साथ होगा? इंश्योरेंस कंपनी के साथ। दिस इज समथिंग कॉल्ड मॉरल हैजर्ड, कि आपने बोरोअर को लोन दे दिया है लेकिन आफ्टर ट्रांजेक्शन जो है वो कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि आपको लगता है कि ये डिफॉल्ट कर जाएगा, अब ये आपको पे बैक नहीं करेगा। तो बेसिकली इसका ताल्लुक आपकी इस एक्टिविटी से इस तरह है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी आपकी इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है तो उससे स्टॉक प्राइसेस क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, या अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और स्टॉक प्राइसेस की इंक्रीज होने की वजह से जो फर्म की नेट वर्थ है वो आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये कैसे इंक्रीज हो रही होती है? कि स्टॉक प्राइसेस बेसिकली फर्म की इक्विटी जो फर्म ने इशू करी हुई है ये उसका कैपिटल है। स्टॉक प्राइसेस की इंक्रीज होने का मतलब ये कि उस फर्म की एसेट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, उनकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो फर्म की नेटवर्थ इंक्रीज हो जाती है, जो कि ये मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को कम कर देती है। अच्छा, नेटवर्थ के इंक्रीज होने से मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम क्यों कम होगी?
क्योंकि पहले जो आपके शेयर परचेज कर रहा था, जो आपको पैसे लेंड कर रहा था, फर्म बोरो कर रही थी उसके पैसे, ठीक है, शेयर परचेज कर रहे थे, आपके पैसे जो है वो कंपनी के पास आ रहे थे, तो उसको ये खतरा था कि हो सक कंपनी के ओनर्स को पता है कि कंपनी की क्या कंडीशन है, मुझे नहीं पता कि कंपनी की क्या कंडीशन है, क्या कंपनी फ्यूचर में इतना प्रॉफिट अर्न कर पाएगी कि उसके शेयर की उसके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो और मीन्स ये कि मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन अगर फर्म की स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज हो रही होती हैं तो यहाँ पे जो लेंडर्स होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। वो क्यों सेफ हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो कंपनी किसी रिस्की प्रोजेक्ट से जो है वो इंगेज भी है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट वो कर रही है, आपके पैसे लेकर वो किसी रिस्की जगह पे जो है वो इन्वेस्ट कर रही है जहां बहुत ज्यादा रिस्क है, जहां लगता है कि उसको प्रॉफिट बहुत कम होगा, लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, तब भी आप जो है वो उसके फर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उसके शेयर्स परचेज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको होता है कि अगर इसको कोई ये डिफॉल्ट करती भी है, अगर ये हमारे पैसे नहीं दे पाती जो कि हमने स्टॉक में इसके इन्वेस्ट करे हुए, तब भी हम क्या करेंगे कि इसके स्टॉक को सेल करके अपना जो मैक्सिमम जो लॉस है अपने लॉस को मिनिमाइज कर लेंगे। तो स्टॉक प्राइसेस जब इंक्रीज होती है तो फर्म की नेट वर्थ इंक्रीज होती है, और फर्म की जब नेट वर्थ इंक्रीज होती है तो वो ये मॉरल हैजर्ड एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को कम कर देती है, क्योंकि बोरोअर्स को पता, लेंडर्स को पता होता है कि स्टॉक प्राइसेस ज्यादा है, फर्म के एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर फर्म हमें डिफॉल्ट भी कर जाती है, फर्म हमारे पैसे नहीं भी दे पाती, तो हम उसकी स्टॉक को सेल करके सिंपली अपने पैसे जो है वो रिकवर कर लेंगे, ठीक है। और फिर इस चैनल से क्या हो रहा है, स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, मॉरल हैजर्ड एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम को अब लोग इतना ज्यादा नहीं देख रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हम तो रिकवर कर सकते हैं अपने पैसे, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फर्म को क्या कर रहे हैं, फर्म के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, फर्म्स के पास क्या आ रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं, और फर्म्स उन फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रही है और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। फिर हमारे पास चैनल आता है क्रेडिट व्यू के टर्म्स में कैश फ्लो चैनल। कैश फ्लो चैनल अगेन अब सेम वही आपका चैनल चलेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होने से क्योंकि स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं तो फर्म के पास अब पहले से ज्यादा जो है उसका कैश फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब उसके एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है, मींस उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है, अब उसके पास इतना कैश है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इजीली उसको जो है वो पे बैक कर सकती है, डिफॉल्ट रिस्क उसका कम हो गया है। तो जब कैश फ्लो इंक्रीज होता है अगेन मॉरल हैजर्ड एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम कम होती है, लेंडर्स को पता होता है कि भाई हमारे पैसे जो है ये पे बैक हो जाएंगे, ठीक है, इसके पास इतना कैश अवेलेबल है कि हमारे पैसे पे बैक कर देगा, क्योंकि इस कंपनी की जो इक्विटी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो बेसिकली फर्म का इस चैनल के थ्रू भी कैश फ्लो के इंक्रीज होने से एक मॉरल हैजर्ड एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम कम होती है, अगेन बोरोवर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कंपनी के शेयर्स स्टॉक्स परचेज करेंगे, जिससे लेंडिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, फर्म के पास जो फंड आ रहा है फर्म उससे को इन्वेस्ट कर रही है। फिर आपके पास सेकेंड लास्ट चैनल आता है अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल। बेसिकली होता क्या है कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा होता है ज्यादा, वो किस पे पड़ रहा होता है, आपके लेंडर्स पे। अब देखो बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी को 100 रुपीज लेंट आउट किए, ठीक है, अब इस दौरान इन्फ्लेशन हो गई, अब आपको अनएंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन थी, अनएक्सपेक्टेड थी, प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया। होगा क्या कि जिस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपने उसको लेंड करे पैसे, जब आपके पास वो पैसे वापस करेगा, वो फॉर एग्जांपल 105 रुपीज वो आपको वापस कर रहा है, तो उन 105 रुपीज की आफ्टर वन ईयर, फॉर एग्जाम्पल आपने लोन प्रोवाइड किया एक साल के लिए, तो आफ्टर वन ईयर उस 105 रुपीज की वो वैल्यू नहीं होगी जो बिफोर वन ईयर थी। मीन्स ये कि इस केस में लेंडर्स जो है वो कम्प्लीटली आपके कौन हो जाते हैं, आपके लेंडर्स बेसिकली आपके वर्स्ट ऑफ हो जाते हैं बोरोअर्स के मुकाबले में। तो अगेन होगा क्या कि जब अनएंटिसिपेटेड प्राइस लेवल आपका इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन होगी, तो फर्म की जो लाइबिलिटीज है, जो फर्म की डेट पेमेंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी. एसेट की वैल्यू उसकी अपनी जगह फिक्स्ड है, लेकिन उसकी जो लायबिलिटीज की वैल्यू है, डेट पेमेंट है, वो उसकी कम हो गई है रिलेटिवली, जो कि फर्म की नेटवर्थ को इंक्रीज करेगी. अगेन नेटवर्थ के इंक्रीज होने से फर्म की ये जो प्रॉब्लम है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है मॉरल हैजर्ड और एडवर्स सिलेक्शन की, ये भी कम होगी. लेंडिंग एक्टिविटी इंक्रीज होगी और उसी चैनल से इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहे होंगे. लास्ट आपके पास आता है हाउसहोल्ड लिक्विडिटी इफेक्ट्स. ये चैनल आपको एक्सप्लेन करता है कि जब हाउसहोल्ड जो है वो बेसिकली उसके पास जो एसेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं. एक एसेट जिसको आप लिक्विड कहते हैं, एक एसेट जो कि इनलिक्विड एसेट होता है. लिक्विड एसेट मींस कि वो एसेट जो कि इजीली आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सको और उसकी प्राइसेस पे इतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े. लेट सपोज कि आप हाउस जो है आपने एक हाउस जो है वो परचेज करा है, ठीक है, आप परचेज करने के लिए कर रहे हो, लेकिन अब आपको बहुत अर्जेंट बेसिस पर कैश की जरूरत पड़ गई है. अब आप उसको इतना अर्जेंट बेसिस पर अगर कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली आपको जरूरत पड़ गई है कैश की, तो अगर आप उस हाउस को परचेज कर सेल करना चाहोगे अर्जेंट बेसिस पर, तो आपको बहुत लो रेट पे वो हाउस सेल करना पड़ेगा. हाउस इनलिक्विड एसेट है, आपको जो डिजायरेबल जो प्राइस है वो आपको नहीं मिल पाएगी. ऑन दी अदर हैंड अगर आप शेयर्स जो है वो होल्ड करते हो, ठीक है, स्टॉक्स होल्ड करते हो, बॉन्ड्स होल्ड करते हो, तो ये बहुत लिक्विड एसेट्स हैं, आप इजीली उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. तो अगर हाउस होल्ड के पास जो स्टॉक्स हैं, जो उसने स्टॉक परचेज करे हुए हैं, जब उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेसिकली हाउस होल्ड अपने आप को वेल्दी फील करेगा. उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, स्टॉक प्राइसेस के इंक्रीज होने से लिक्विडिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो जब चाहे स्टॉक को इजिली सेल करके अपना कैश जो है वो ले सकता है. तो जब उसकी लिक्विडिटी इंक्रीज होगी स्टॉक प्राइसेस के इंक्रीज होने से, उसकी फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज होगी, तो वो अपने आप को लेस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में फील करेगा. मत मीन्स वो के फील करेगा कि वो अब जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन स्पेंडिंग कर सकता है, क्योंकि अगर कोई मीन्स ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर्स के लिए वो लोन ले सकता है बैंक से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वो कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी, उसे पता है कि अगर मुझे कैश की जरूरत पड़ती भी है तो मैं अपने स्टॉक्स को जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है इजिली सेल ऑफ करके जो है वो अपना कैश ले सकता हूं. तो वो अपने आप को उसकी वो अपने आप को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आप उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है. ऑन दी अदर हैंड अगर वो अपने आप को फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में जो है वो ये फील करेगा कि फ्यूचर में उसको पैसों की जरूरत पड़ सकती है और उसके पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको वो कन्वर्ट कर सके कैश में, तो वो अभी लोन कम से कम लेगा कि अगर मतलब उसको फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो. बट अभी उसको पता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है, अगर मेरे पास कैश शॉर्ट हो जाता है और मैं पे बैक नहीं कर पाता बैंक को, तो मैं स्टॉक को सेल करके इजीली जो है वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ. तो हाउस होल्ड की लिक्विडिटी इफेक्ट कहता है कि जब स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज होती है, हाउस होल्ड की फाइनेंशियल वेल्थ इंक्रीज होती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो ड्यूरेबल गुड्स पे अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करता है, जिससे ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है. तो ये आई होप सो कि मैंने जितना ज्यादा डिटेल में इसको समझा सकती थी. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनकी अलग से एक वीडियो रिक्वायर्ड है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि इसको जितना डिटेल में समझा सकूं मैं समझा दूं. तो अगर मजीद अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. थैंक यू.